हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं रोले थ्योरम। ठीक है, रोले थ्योरम क्या होती है ये सब जानेंगे, स्टेटमेंट और स्टेटमेंट प्रूफ दोनों करेंगे। ठीक है ना, तो ये बीएससी कैलकुलस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये जो रोले थ्योरम है ये आती ही आती है अभी पेपर में। ठीक है, 90% चांसेस हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट जानते हैं, स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, तो रोले थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है वो पढ़ेंगे पहले, फिर उसके बाद में इसको प्रूव करेंगे। तो बहुत ही प्यारी थ्योरम है, बहुत ही प्यार से इसको समझते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज सच दैट, ठीक है, कोई फंक्शन एफ एक्स इस प्रकार है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। क्लोज इंटरवल को हम बड़े ब्रैकेट से दिखाते हैं, ओपन इंटरवल को हम बड़े ब्रैकेट को उल्टा करके दिखाते हैं, या हम इसको और इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए कॉमा बी छोटे ब्रैकेट में। छोटे ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये ओपन इंटरवल होता है, ये आपका क्लोज इंटरवल होता है। ओपन को आप ऐसे उल्टा करके भी लिख दोगे, नहीं ओपन करके। ठीक है, एंड एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, एंड एफ एक्स एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, यानी कि एक्स की जगह पर ए रख दोगे फंक्शन में उतना ही मान होना चाहिए, बी रख दोगे तब। ठीक है, तो देन देयर एग्जिट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, यानी कि ये तीन कंडीशन यदि फॉलो हो रही हैं, इफ एफ एक्स यदि तीन ये कंडीशन फॉलो करता है, तो ये थ्योरम कहती है कि यदि कोई फंक्शन एफ एक्स क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है, तब कोई एक ऐसी वैल्यू होगी सी जो इस तरीके से लाई करे कि एफ डैश एक्स सी इज इक्वल टू जीरो। यानी कि ये जो एफ का पहले अवकलन कर दीजिएगा, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद में जहाँ जहाँ पर एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ पर हम सी रख देंगे, तो वो वैल्यू कितनी जीरो हो जाएगी। तो ये थ्योरम कहती है, थ्योरम का स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि यदि आपका कोई भी ये जो फंक्शन है, कोई भी एफ एक्स फंक्शन है, यदि ये कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, और एफ ए बराबर एफ बी है, तो कोई ना कोई एक एटलीस्ट एक तो कम से कम ऐसी वैल्यू होगी जो इस फंक्शन का अवकलन करने के बाद में, इस फंक्शन में अवकलन करने के बाद एक्स की जगह पर मैं सी रख दूंगा तो उसका मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और सी का वैल्यू कैसी होगी, ए से बड़ी और बी से छोटी होगी, यानी इस ओपन इंटरवल के बीच में लाई करेगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसका हम प्रूफ करते हैं कि प्रूफ क्या है। ठीक है, तो वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अब हम प्रूफ करते हैं इसका। ठीक है, देखो प्रूफ बहुत ही शानदार है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिएगा, सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए कॉमा बी, ठीक है, हमने मान लिया ए और बी में कंटिन्यूअस है, लेट एम इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन ओपन इंटरवल यानी क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, यानी ए कॉमा बी की एफ क्या है, एफ एम क्या है, एक मैक्सिमम वैल्यू, और स्मॉल एम क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, यानी कि ये जो है एम कैपिटल मैक्सिमम वैल्यू है और एम क्या है, मिनिमम वैल्यू, दो वैल्यू हमने अपनी ओर से मान ली है ये। ठीक है, आगे हेयर टू कंडीशन आर पॉसिबल, दो कंडीशन है यहाँ पर कि एम और एम दोनों बराबर हो सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों बराबर हो सकती हैं, या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बराबर नहीं हो सकती हैं, दो ही पॉसिबल कंडीशन बन सकती हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले हम मानेंगे कि हम एक कंडीशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, अब हम मान के चलेंगे कि इफ एम इज इक्वल टू एम, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों क्या है, बराबर है, मींस दैट एफ एक्स इज कांस्टेंट, जब ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी तो एफ एक्स का मान कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि उस पर भाई मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू आपकी बराबर हो जाएंगी, तो वो क्या हुआ, कांस्टेंट होगा, यानी कि आपका कोई भी फंक्शन है एफ एक्स बराबर, मैं क्या कह दे रहा हूँ, पाँच कह दे रहा हूँ, तो ये पाँच का पाँच रहेगा, कुछ भी वैल्यू रख लो यहाँ पे, भाई ए की और बी की तो कोई एक्स है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये जो वैल्यू है जो कांस्टेंट है, तो मींस क्या हुए, मींस ये हुए कि एफ डैश एक्स का मान कितना, जीरो हो जाएगा, जब एफ एक्स का मान कांस्टेंट है तो उसका अवकलन जीरो हो जाएगा, जब जीरो हो जाएगा, इफ सी इज बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, यानी ये इससे बिलोंग कर रहा है, तो एफ डैश सी ऑल्सो जीरो, जब ये जीरो हो जाएगा तो ये इन दिस केस
दिस थ्योरम इज प्रूव्ड, यानी इस केस के लिए तो ये प्रूफ हो गई बहुत ही सिंपल तरीके से। लेकिन यदि ये जो बराबर नहीं है तो उसके लिए थोड़ा सा लंबा पड़ता है, लंबा कुछ नहीं, बहुत ही प्यार से इसको सॉल्व करेंगे। सही समझ में आ गया होगा, जब यहाँ पे ये जीरो हो गया तो यहाँ पे सी रखो या कुछ भी रखो तो अपने आप में जीरो का जीरो ही रहेगा, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने का, तो एफ डैश सी जीरो, यानी कि यही तो थ्योरम थी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आपका दे देखिएगा, अब ये जो कंडीशन है इसके लिए अलग है। इफ दूसरी जो कंडीशन लेंगे अब एम नॉट इज इक्वल टू एम, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपकी जीरो नहीं है, मींस दैट के एफ ए नॉट इज इक्वल टू एम नॉट इज इक्वल टू बी, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो ये तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा, यदि ये बराबर नहीं है तो ये इसके लिए क्या हो जाएगी, ये जो थ्योरम है अपने आप में ये गलत हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों तो आपको बराबर दिखाने हैं। यदि ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो एम का मान बराबर आएगा, यदि एम का मान बराबर आएगा तो पहली वाली कंडीशन के लिए प्रूफ हो जाएगी। लेकिन फिर भी यदि ये दोनों बराबर नहीं है तो हम इनको पहले तो ये बराबर करेंगे, फिर उसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो कैसे। इफ सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, यानी कि सी कोई है जो ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, और एफ डैश सी इज मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू है, देन आप जानते हो यदि ये मैक्सिमम वैल्यू है तो एफ एक्स का मान इससे या तो इसके बराबर हो सकता है या इससे कम होगा, पर इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एफ सी का मान मैक्सिमम माना है हमने। जब ये मैक्सिमम माना है तो तब आपका क्या हो जाएगा, देखिएगा, जब ये मैक्सिमम है सी तो सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, और सी रखने पर ये मैक्सिमम हो जा रहा है, तो आप जानते हो कि यदि सी की जगह पर मैं प्लस माइनस रखूँगा एच तो ये इससे या तो कम बैठेगा या इसके बराबर बैठेगा, कभी भी इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सी तो अपने आप में मैक्सिमम है, तो कोई भी वैल्यू या तो उसके बराबर हो सकती है या उससे कम हो सकती है, फंक्शन में इससे ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि सी का मान हमने मैक्सिमम माना है पहले ही। ठीक है, जब मैक्सिमम माना है तो अब मैं दोनों पक्षों में फलन ले ले रहा हूँ, एफ ले रहा हूँ, फंक्शन ले लिया, ये हो जाएगा। इस चीज़ को मैं फंक्शन को इधर ले आऊँ माइनस एफ तो ये जीरो आ जाएगा, यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा, लेस देन एंड इक्वल टू जीरो। जब ये जीरो है माइनस एच की दोनों पक्षों में मैं भाग कर दूंगा प्लस माइनस एच की, तो ये जीरो का जीरो रहेगा, ये आ जाएगा। ये अपने आप में एक लिमिट का फॉर्मूला बनना है, नहीं बनना, तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, लिमिट लूंगा। लिमिट लेने पर क्या हो जाएगा, एफ डैश ये सी ये तो वही रहेगा, तो यानी कि ये यदि मैं प्लस का साइन लूंगा तो ये एल एच एल यानी राइट हैंड लिमिट बनेगी, और यदि मैं इसकी जगह पर क्या लूंगा, यदि मैं प्लस लूँगा तो एल एच एल बनेगी, और लेफ्ट लूँगा यानी कि माइनस लूँगा तो एल एच एल, यानी कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी दोनों समीकरण एक और दो से ये दोनों के मान बराबर आएंगे क्योंकि ये दोनों ही इसके जीरो के इक्वल है, दोनों छोटे हैं तो मतलब क्या है, दोनों आपस में बराबर हैं। जब दोनों आपस में बराबर हैं तो ये जीरो, यदि ये दोनों आपस में बराबर हैं, जो दो संख्या यदि बराबर में आ जाती हैं और ये आपका डिफ्रेंशिएबल फंक्शन है, यदि ये डिफ्रेंशिएबल फंक्शन है और ये दोनों बराबर दिखा दिए तो एफ डैश सी भी आपस में ये मतलब इस फंक्शन को हम डैश करके जीरो सी रख देंगे मैक्सिमम वैल्यू, तो वो अपने आप में जीरो होगी। समझ में आ गई? क्योंकि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है और ये दोनों लिमिट आपस में बराबर आ रही हैं, सो वी कैन से दैट कि एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, यानी अवकलन करने पर ये जीरो हो गई होगा क्योंकि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये पहले ही कंडीशन में कहा है थ्योरम में, तो ये प्रूफ हो गया कि ये थ्योरम इज प्रूव्ड। इस दूसरी कंडीशन के लिए भी ये प्रूफ हो गई। ठीक है, वैसे दूसरी कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसा पहली वाली कंडीशन को ही प्रूफ करके दिखा देना सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, क्लियर है बात? तो आपको आई होप कि ये समझ में आ गई होगी। ठीक है, वीडियो समझ में आई है, वीडियो लाइक